तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जो है कोल ड्रॉ के अंदर प्रिंट टेबल फाइल बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ा होर्डिंग्स होता है, जो जो कि बहुत ज्यादा बड़े साइज का जो सीडीआर फाइल होता है जो हम डिजाइन बनाते हैं, उसको कैसे प्रिंट टेबल फाइल बनाते हैं। तो उस पर आज हम लोग काम करेंगे और देखेंगे कि कैसे कोल ड्रॉ में हम लोग प्रिंट टेबल फाइल बनाते हैं और क्लाइंट को शेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, मेरे पास जो डिजाइन है वो ये है, जिसका की हाइट और विड्थ है 96/48। विड्थ इसका 96 है और हाइट जो है 48 इंचेस में है। डबल कोलन यहाँ पे लगा हुआ है तो मतलब ये इंच में होगा। देखिए यहाँ से यूनिट भी आपको इंच में दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड पेज पे है और फर्स्ट पेज पे हमारा क्या है, ये है स्टार जो है, सो वेलकम टू द क्रॉस बॉन्ड। ये है फर्स्ट पेज पे ये डिजाइन बना हुआ है और सेकंड पेज पे वेलकम टू द क्रॉस बॉन्ड ये है येलो कलर का। अब हमें करना क्या है, बस ओनली इसी को प्रिंट करवाना है। इसी को प्रिंट करवाने के लिए हमें देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नया से एक जो है कोरल ड्रॉ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा या फिर फाइल में जाके आप जो है न्यू पे क्लिक कीजिएगा, तो डॉक्यूमेंट क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। इसका नाम हमें मेंशन करना है, तो नाम हम यही मेंशन कर देंगे, बैनर स्टार। ठीक है, कारपेंटर ये जो है तो मैंने यहाँ टाइप करके रख रखा है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ हम डाल देंगे प्रिंट। साइज जो हम यही ले लेंगे 96/48 इंचेस में ले लेंगे। यहाँ से इंच आपको जो है यूनिट जो है इंच सेलेक्ट करके रखना है और 96/48। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 रख लेना है आपको। कलर जो है आपको RGB रख लेना है और इनहांस्ड मोड पे जो है आपको यहाँ से प्रीव्यू मोड, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इसको आपको यहाँ पे पिक्सल्स नहीं, नॉर्मल भी नहीं रखना है, इनहांस्ड रख लेना है। ठीक है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो गया, ये आर्टबोर्ड जो है एक जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ये आपका एक आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद ये क्या होगा, हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर जो है पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने का देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लगा हुआ है। टेक्स्ट में क्या है, फॉन्ट लगा हुआ है पुरुष्ता सेमी बोल्ड। अब हमें करना क्या है, अब जैसे हम इस किसी को अगर हम ये फाइल शेयर करेंगे तो वहां पे अगर उसके पास पुरिस्ता सेमी बोल्ड फॉन्ट नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, फॉन्ट मिसिंग दिखाने लगेगा और ये जो डिजाइन बना है इसका क्या होगा, फॉन्ट जो है डिफरेंट टाइप में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पुरिस्ता सेमी बोल्ड लगा हुआ है और यहाँ पे ऊपर की हम बात करें तो यहाँ पे जो है वेलकम टू द, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे एम्बेसी बीटी लगा हुआ है। इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व करेंगे, सबको एक बार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कर्व कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू कर्व का, कंट्रोल क्यू प्रेस कर देना है, कर्व हो गया। कर्व होने से क्या हो गया, ये आप जो है ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब अब इसमें इस जो है सो टेक्स्ट में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको ये शेप बिल्डर टूल ले, शेप टूल, तो देखिए यहाँ पे इसके शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम इसको हम कर्व नहीं करते हैं, एक बार कंट्रोल जेड करते हैं, अंडो करते हैं, अंडो करने के बाद अगर हम जाए, देखिए यहाँ पे अभी ये कर्व जो है, जो ये टेक्स्ट जो है अभी एडिटेबल है, इसके टेक्स्ट को अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी जो है ये शेप टूल जो है ये काम भी नहीं करेगा इस पे। ठीक है, इसके नोड को हम कुछ मतलब ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो ये चीजें हैं। और जैसे ही अगर इसको हम कर्व कर देंगे कंट्रोल क्यू, अब क्या कर सकते हैं, इसके टेक्स्ट में हम चेंजेस, इसके नोड को हम क्या कर सकते हैं, किधर भी घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये अब टेक्स्ट नहीं रहेगा। अब क्या होगा, अब जिसके पास भी हम शेयर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू वहां पे सेम ऐसा ही आउटपुट मिलेगा हमको। अगर किसी के किसी क्लाइंट के पास भी अगर हम शेयर करते हैं, वहां पर अगर ये प्रिस्ता फॉन्ट अगर नहीं भी होता है या फिर जो एम्बेसी बीटी फॉन्ट नहीं भी होगा तो क्या होगा, वहां पे सेम जो है इसी टाइप में हमारा जो डिजाइन है वो ओपन होगा। तो इसीलिए हम भी जब भी प्रिंटेबल फाइल बनाते हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट का पार्ट जितना भी होता है उसको क्या करते हैं, कर्व कर देते हैं, या फिर हम लोग कोरल ड्रॉ में बनाते हैं या फिर इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, तो जहां जहां भी प्रिंटेबल फाइल बनाते हैं ताकि हम उसको कर्व इसलिए कर देते हैं ताकि हमारे पास वो फॉन्ट अगर है, अगर वो जिसके पास हम शेयर कर रहे हैं, जिसके पास जिसके थ्रू हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं प्रिंटर वालों के पास, वहां पे अगर वो फॉन्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फॉन्ट मिसिंग दिखाएगा और हमारे डिजाइन का लेआउट जो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें एक काम और आप कर सकते हैं, या तो आप इसको कर्व कर सकते हैं या तो आप इसके साथ जो है आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को अटैच कर सकते हैं। जैसे नीचे में कंट्रोल जेड कर लेते हैं, जैसे हमारे पास ये एक टेक्स्ट है स्टार कारपेंटर मीट का, जिसमें कि पुरिस्ता सेमी बोल्ड जो है फॉन्ट यूज किया गया है,
तो यहाँ पे वहां पे हम क्या करेंगे, पृष्ठा से बोल्ड जो है ये फॉन्ट है इसको हम क्या करेंगे फाइल के साथ अटैच कर देंगे, जिप के जिप फोल्डर बना करके उसमें पृष्ठा फॉन्ट भी डाल देंगे और उसको शेयर कर देंगे क्लाइंट को। तो इस केस में भी क्या होगा कि ये हमारा जो है टेक्स्ट जो है सो मिस नहीं, फॉन्ट मिस वहां पे नहीं दिखाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप जाइएगा अपने सिस्टम के अंदर फॉन्ट ढूंढिएगा, पता नहीं कहाँ होता है फॉन्ट, नहीं होता है इंस्टॉल होता है, वैसे फॉन्ट इंस्टॉल यहाँ पे होता है कंट्रोल पैनल में जाने के बाद, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं फॉन्ट को। बट ये एक क्योंकि फॉन्ट जो है फिर यहाँ से आपको पृष्ठा से बोल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्राफिक डिजाइनर होता है उसके पास जो है बहुत सारा फॉन्ट होता है, हजारों में 10,000 20,000 फॉन्ट्स होते हैं, तो उसमें ढूंढना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। इससे बचने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है प्रीव्यू डिलीट शो है शो और हाइड द फॉन्ट इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, मतलब आपके इसमें जो जितना भी फॉन्ट है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। अब यहाँ से पृष्ठा आपको जो है पृष्ठा, देखिए ये पृष्ठा का पूरा फैमिली है यहाँ पे, इसको आप कॉपी कीजिए ठीक है। उसके बाद आप अपने डिजाइन के साथ से इसको भी जो है आप क्या कर सकते हैं अटैच करके वहां पे भेज सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों से बचने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे। तो मैंने एक और प्रोसेस आपको बता दिया है, इसको भी फॉलो करके आप अपने प्रिंटेबल फाइल को शेयर कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको जो है सपोज अगर मानिए इस टेक्स्ट में अगर कोई डिजाइनर चाहता है वहां से जो प्रिंटेबल फाइल है किसी को आप शेयर कर रहे हैं वहां से उसको कुछ चेंजेस करना है, तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं फॉन्ट को भी अटैच कर सकते हैं। बट मेरे केस में क्या है कि हम फॉन्ट मेरा जो है डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, बस हमें क्या करना है इसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे इसको कंट्रोल टू कर्व कर देंगे, फिर से कर्सर को सेलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर कोई हिडन फॉन्ट वॉन्ट होगा तो सारा क्या होगा कर्व हो जाएगा। कर्व होने के बाद अब हमारा फाइल जो है रेडी हो चुका है प्रिंट के लिए, अब इसको हमें सेव करना है, तो हम कंट्रोल एस करेंगे। एस करने के बाद जो है हम क्या करेंगे फाइल का पाथ ढूंढेंगे कि कहाँ पे हमें इसे सेव करना है, तो हमें सेव करना है इसको राहुल सर वर्क, इसके अंदर जो है एक बार हम चलेंगे क्रॉस बॉन्ड प्लैंक बैनर के अंदर ठीक है, क्रॉस बॉन्ड ये हमारा फाइल है, ये है स्टार, देखिए ये सेम फाइल मिल गया जिसको कि मैंने अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था। अब यहां से हमें जो हमने नाम दिया था प्रिंट नाम से ये प्रिंट है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है वर्जन चेंज करना है, जैसे आप अगर आप लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम कर रहे हैं तो आपको करना क्या होगा इससे लोअर वर्जन में आपको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है। इनकेस क्या होता है कि अगर आपके क्लाइंट के पास वो CDR 14, 13, 17, 16 अगर यूज कर रहा है, अगर आप हायर वर्जन में काम कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा जैसे ही आप फाइल शेयर करोगे तो वहां पे ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कोरल ड्रॉ है वो हायर वर्जन में है और जो वहां पे प्रिंटेबल फाइल जो प्रिंट करेगा तो वहां पे क्या है वो लोअर वर्जन में करेगा, इसके वजह से वहां पे फाइल ओपन नहीं होगी। तो इससे बचने के लिए भी हम लोग जो है सो यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे वर्जन है वर्जन्स के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, तो लोअर वर्जन हम लोग 14 में दे देते हैं, क्योंकि 14 जो है 14 से एबव में ही सारा जो है सो काम वाम होता है। कई कई बार जो है क्या होता है 11, 12 में भी होता है वर्जन, 11 में 12 में 13 में, तो वो रिक्वायरमेंट अगर वहां से अगर आपके पास आई होगी कि नहीं हमें वर्जन 11 में चाहिए तो आप यहाँ से वर्जन 11 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 12, 13, 14 जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर। तो ज्यादातर प्रयास कीजिए कि लोअर वर्जन में फाइल दे ताकि वहां पे इजीली ओपन हो जाए और बार बार आपको चेंजेस ना करना पड़े और बार बार आप परेशानी से बचे। मेरे केस में क्या है कि हम 14 में हमेशा देते हैं तो हम 14 में उनको शेयर करेंगे, और यहाँ पे आप नाम के साथ मेंशन भी कर दे ठीक है, कोरल ड्रॉ CDR 14, CDR 14 कर देंगे, कोरल ड्रॉ 14 मतलब वर्जन 14 है ठीक है, तो वो समझ जाएगा CDR 14 में आइए। उसके बाद आप इसको सेव कर दें, सेव करने के बाद जो है यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दे और आपका फाइल जो है क्या हो गया सेव हो गया। अब ये एक सेव हो गया है, तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ पीडीएफ भी अटैच करेंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करेंगे या फिर फाइल में जाएंगे सेव एज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे, पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे सेम नाम के साथ हम क्या करेंगे पीडीएफ भी अटैच कर देंगे, ताकि जो है वो पीडीएफ में देख ले कि हमारा डिजाइन जो है वो कैसा है, ताकि वो कोरल ड्रॉ में ओपन करे तो उसको एग्जैक्ट ऐसा ही डिजाइन दिखे ठीक है। आप जेपीजी भी अटैच कर सकते हैं बट मेरे केस में क्या हम पीडीएफ अटैच करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे ठीक है। तो हमारा पीडीएफ भी एक्सपोर्ट हो चुका है और कोरल ड्रॉ फाइल भी एक्सपोर्ट हो चुका है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से क्लोज कर देंगे ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, नो पे क्लिक करके क्लोज कर देंगे। अब हम चलेंगे अपने फाइल के अंदर, तो देखिए हमारे पास जो है
जो हमने बनाया था बैनर स्टार कारपेंटर मीट सीडीआर 14, ये हमारा पीडीएफ हो गया। यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिख रहा है। अच्छा, प्रीव्यू में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसको ओपन कर लेंगे हम क्रोम के अंदर। अब देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ये टेक्स्ट अभी सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए अगर इसको हम सिलेक्ट करना चाहें तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, बट जो हमारा ओपन फाइल है इसको भी एक बार हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है सो हमारा ओपन फाइल है, ये दोनों सीडीआर और ये दोनों हमारा जो है वो क्या है, प्रिंटेबल फाइल है। ठीक है, ये दोनों जो प्रिंटेबल फाइल है और ये दोनों ओपन फाइल है। इस ओपन फाइल के पीडीएफ को अभी हमने खोला है क्रोम के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट जो है अभी क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, मतलब ये अभी टेक्स्ट के फॉर्म में है। ये हमारा वेलकम टू द क्रॉसबॉन्ड, क्रॉसबॉन्ड तो लोगो है, लोगो तो ऑब्जेक्ट ही होता है। और यहाँ पे स्टार कारपेंटर मीट जो है ये हैदराबाद, ये क्या है, ये अभी जो है हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में ही है। इसको हमने क्या किया, अभी कर्व नहीं किया है, तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो रहा है। बट जैसे ही हम इसको कन्वर्ट टू क्यू करेंगे, कर्व कर देंगे टेक्स्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि ये प्रिंट के लिए रेडी है फाइल। तो इसको हम क्या करें, क्या किया है हमने, ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए रेडी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल को अब जो है शेयर करने के लिए भेज सकते हैं अपने क्लाइंट के पास। तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, मेरे केस में हम स्काइप पे शेयर करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्काइप पे जो है जा करके इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइल, जैसे कि हम लोग जो है कैसे कोरल ड्रॉ के अंदर प्रिंटेबल फाइल बनाते हैं। किसी भी डिजाइन को अगर हमने बना रखा है, उसको प्रिंट कैसे करना है, इसके बारे में हमने जाना। तो बने रहिए हमारे वीडियोज के साथ। अगर आपको, अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस वीडियो के रिगार्डिंग जो है, सॉरी किस टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।